अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सवा सिंह ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बनाएंगे पटेटो पिलो। पटेटो पिलो बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, 8 से 10 आलू लिए हैं। उसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए। कहीं भी आलू के ओनियन चाहिए इस तरीके से अच्छे से एकदम मैश हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है कोथमीर थोड़ी कटी हुई। यहाँ पर काली मिर्ची ले लेंगे हाफ चम्मच, नमक लेंगे हाफ चम्मच, ओरिगैनो लेंगे हाफ चम्मच, चिल्ली फ्लेक्स लेंगे 1 चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है और 1.5 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। चलिए आइए देखते हैं। अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लीजिए, इसमें सारे हमारे मसाले डाल लीजिए। आप चाट मसाला भी आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद में हमें हमारे आटा डालना है, सारा कॉर्नफ्लावर मैदा सब हम अच्छी तरीके से डालेंगे। सब 1 टीस्पून लीजिए आप, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छी तरीके से ये मिक्स करना है। हमारा कोथमीर भी डालना है हमें। अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए। टिफिन बॉक्स में आप बना के दीजिए बच्चे लोग को। टमाटो केचप दीजिए साथ में। अच्छी तरीके से इसे आटे जैसा गूंद लेना है। अगर कॉर्नफ्लावर और लगेगा तो हम इसमें और ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने आटे जैसा डो बना लिए। डो बनाने के बाद में अब अपने हाथों में तेल लगा लीजिए। इस तरीके से पोषण लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें रोल करना है। हल्के हल्के हाथों से आप रोल कर लीजिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं। इसे रोल करने के बाद हमें छोटी छोटी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। देख रहे हो आप इस तरीके से। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। इस तरीके से छोटी छोटी आप कटिंग कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए इस तरीके का चम्मच ले लीजिए आप, फिर तेल लगा लीजिए आप चम्मच पर और हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कीजिए। अब देखिए इस तरीके से प्रेस करते जाइए। तेल हमारा गर्म हो जाए हमें गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है। इस तरीके से हल्के हाथों से करना है हमें। चलिए अभी मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। चलिए हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। ऐसे ऐसे हम इसे हमारे तेल में छोड़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आप चावल का आटा भी डालिए, तो फिर आप मैदा नहीं डालिए, चावल का आटा डालिए। तो टमाटो केचप के साथ खाइए, मायोनीज के साथ खाइए आप। चलिए अभी ये गोल्डन हो जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा भी हम इस तरीके से थोड़ा रोटी का आटा कैसा लेते हैं इस तरीके से हम ले लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप रोल कर लीजिए। हाथों में तेल लगा लीजिए आप। बहुत मोटा भी नहीं रखना है हमें, पतला भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है रोल। इस तरीके से अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं काटना है हमें वरना वो क्रिस्पी नहीं होंगे। ये देखिए इस तरीके से आप कीजिए। चलिए अभी ये गोल्डन हो रहे हैं इसे हम टर्न करेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरी रेसिपी बना रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी के भी मैं इस तरीके से आपको फ्राई करके बताती हूँ। चलिए हमारे पटेटो पिलोस तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए इसे पिलो इसलिए कहते हैं ये पिलो के शेप का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।